हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जे हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ के प्रथम चैप्टर जो हिंदी विषय का है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है वो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति प्रथा का दूसरा रूप है, तो जाति प्रथा का दूसरा रूप कौन सा है? तो जाति प्रथा का जो दूसरा रूप है, श्रम विभाजन, समाज विभाजन या स्वाभाविक विभाजन, तो इसका हो जाएगा श्रम विभाजन। जाति प्रथा का ही दूसरा नाम श्रम विभाजन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न को देखें तो कहता है, जातिवाद के पोषकों की इस युग में भी कमी नहीं है, लेखक भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है? तो जो है, जातिवाद के पोषकों की कमी इस युग में भी नहीं है, और यह क्या है, यह एक विडम्बना की बात कहा है कि यह भी एक विडम्बना वाली बात है कि आज के भी आधुनिक युग में जो है लोग जातिवाद का संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की डैश है, तो श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का क्या है, यह श्रमिकों का जो है मुख्य रूप से अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, है ना, यह श्रमिकों का एक अस्वाभाविक विभाजन नहीं है। नेक्स्ट जो हो जाएगा प्रश्न आपका, क्वेश्चन नंबर 6, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है कि यह मनुष्य की डैश पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, एक ही पेशे में भी बांध देती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात क्या हो जाता है, तो अकस्मात जो है वो परिवर्तन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुविध का अर्थ क्या है, तो बहुविध का जो अर्थ है वह अनेक प्रकार से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक का निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन मनुष्य को क्या आवश्यकता ला देता है, तो ये जो है मनुष्य को वो अपना पेशा बदलने पर जो है विवश कर देता है, अपना पेशा बदल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर, आदमी कब भूखे मर सकता है, तो आदमी जो है जब उसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना मिले तो आदमी भूखे मर सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, किस धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो? तो यह हिंदू धर्म की है, हिंदू धर्म में पहले परम्परा थी कि आपको जिस जाति के हैं आपको उसी कार्य को करना पड़ेगा, बट अभी समाज में बहुत ही सुधार हो चुका है, ऐसी अब कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा डैश से युक्त है, तो श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जो है जाति प्रथा एक जाति प्रथा किससे युक्त है, तो जाति प्रथा जो है वह गंभीर दोषों से युक्त है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की किस चीज़ पर निर्भर नहीं रहता, तो वह किस पर निर्भर नहीं रहता है, तो वह स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश प्रथा है, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, तो ऐसा समाज हो जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व की भावना हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण हो ऐसा भाईचारा होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम ही क्या है, तो इसका नाम ही है आपका जो है लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, प्रस्तुत वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह जो वाक्य है वह आपका एक सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वतंत्रता का विलोम शब्द कौन सा होगा, परतंत्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अस्वाभाविक शब्द है, तो अस्वाभाविक जो शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है, एक विशेषण शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिवर्तन का पर्यायवाची है,
तो परिवर्तन का जो पर्यायवाची है वह आपका बदलाव है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रमिक का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा? तो श्रमिक का जो पर्यायवाची शब्द है वह आपका मजदूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया, ऑप्शन नंबर सी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का जो सबसे मुख्य कारण है वह क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा का। जाति प्रथा स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह किसी भी मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जो प्रमुख कारण मानते हैं वो जाति प्रथा को मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो आधुनिक जो सभ्य समाज है वह श्रम विभाजन को इसलिए आवश्यक मानते हैं ताकि वो कार्यकुशलता किया जा सके। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित है? तो किस भाषण के जो है संपादित रूप है? तो द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैग्निज्म से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 29 का यहाँ हो जाएगा आपका द कास्ट ऑफ जो है बाबा साहब अम्बेडकर किस भाषण से है? तो ये हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है? तो अम्बेडकर का जन्म जो है वह दलित परिवार में हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक मानते हैं? तो जाति प्रथा को आर्थिक रूप से भी खतरनाक मानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का भी जो है रूप लिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इनका जन्म जो है वो महू मध्य प्रदेश में जो है 14 अप्रैल 1891 के हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था, याद रखिएगा इस बात को। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रथम चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जी हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।